नमस्कार दोस्तों, ओंकारेश्वर रोड से सनावत का सेक्शन आमान परिवर्तन के अंतर्गत तैयार हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं ओंकारेश्वर स्टेशन के बाहर से हमारा गुजरना हो रहा है और यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं उसकी कुछ स्थिति आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश रहेगी। यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं लगभग जो महीने भर पहले अपडेट आई थी तकरीबन उसी स्थिति में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बाहर की ओर देख सकते हैं सब वे जो बनाया जा रहा है उसका मुहाना आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसी के माध्यम से यात्री दोनों प्लेटफार्मों पर आवागमन कर सकते हैं। यहाँ पर दो प्लेटफार्मों के साथ में दो लूप लाइन और एक मेन लाइन का निर्माण किया जा रहा है। मेन लाइन को फिलहाल में जो रिवर्सल करने के लिए और स्टेबलिंग लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कि हमारा बड़वा मुख्तियारा बलवाड़ा वाला सेक्शन तैयार नहीं हो जाता है। उस स्थिति में यह केवल इसी के काम ही आएंगी। बहरहाल आप देख रहे हैं स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। यह यहाँ तक सर्कुलेटिंग एरिया बाउंड्री आदि लगाकर पार्किंग आदि के हिसाब से तैयार किया जाएगा और सभी सुख सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह हमारा पुराने ओंकारेश्वर रोड स्टेशन की ओर जाने वाला हिस्सा है। यहाँ पर अंडर ब्रिजों का कार्य प्रगति पर चल रहा है। एक अंडर ब्रिज लगभग तैयार कर लिया गया, लेकिन जो बड़ा अंडर ब्रिज बनाया जाना है हाईवे के हिसाब से उसका निर्माण कार्य अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। आप देखेंगे उसका नज़ारा आगे। वैसे भविष्य में जो बाईपास बनाया जा रहा है हमारे फोर लेन जो नया इंदौर इच्छापुर बनाया जा रहा है उसके साथ में ज़्यादा व्यस्त ट्रैफिक उधर से ही डाइवर्ट होगा। यहाँ से केवल गिनी चुनी गाड़ियाँ ही निकलेंगी, तो इतने ज़्यादा लोड वाली यह बात नहीं। यहाँ पर बनाया जाएगी जो हमारा हाईवे है उस पर अंडर ब्रिज का निर्माण यहाँ पर किया जाना है। आगे आप देखेंगे ओंकारेश्वर ब्रिज का हल्का फुल्का नज़ारा, जो समय अभाव के कारण हम वास्तविक लोकेशन पर ज़्यादा करीब नहीं जा पाए, परंतु जो दिख रहा है वह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक मध्यम आकार का पिलर पूर्व में बनाया गया है जो बेस के साथ में है, दूसरा पिलर तैयार हो चुका है और तीसरे का आधा कार्य यहाँ पर पूरा किया जा चुका है। पुराने ब्रिज के तीन पिलर भी नदी में दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए कुछ क्लियर तस्वीर इसकी, दूसरा पिलर आधा बन गया है, लेकिन गति थोड़ी बढ़ाने की आवश्यकता है। माना कि यह जो पानी नदी में छोड़ा जाता है डैम से, इसकी गति थोड़ी तेज़ होती है, इस वजह से कार्य करने में जो मजदूर हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो नर्मदा घाटी प्रशासन है, ओंकारेश्वर बांध प्रशासन है, उसको इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह जो रेलवे लाइन का कार्य हो रहा है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है, इसलिए उन लोगों को रेलवे प्रशासन को सहयोग देना चाहिए। तो यह थी छोटी सी अपडेट जो कार्य चल रहा है इसके बारे में दिखाने की। आप सभी का धन्यवाद।